नमस्कार, स्वागत है आपका द बद स्टोरी के ओपिनियन सेक्शन में। आज हमारे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में है श्री पंकज कुमार, जो कि रांची के अर्थशास्त्री हैं। आज वो हमें बताएंगे कि ये जो घटती हुई जीडीपी है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। साथ ही साथ ये झारखंड परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करेंगे कि झारखंड पर इसका क्या असर होने वाला है और इसके दोष क्या है और इसके निवारण क्या है। तो चलिए मिलते हैं श्री पंकज कुमार जी से। ये जो जीडीपी हमारा इतना कम हुआ है, तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और भारत के परिप्रेक्ष्य से भी बताइए और एक बार झारखंड के परिप्रेक्ष्य से भी बताइए। जैसे ये कहने को भी मिल रहा है कि अगर जीडीपी घटा है तो आम लोगों का आमदनी कम हुआ है, तो इस पे आपका क्या राय है? सर देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जीडीपी का मतलब होता है कि भैया एक देश में जो भी दो लोग प्रोड्यूस कर रहा है, गुड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग जीडीपी कॉमन लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। अब अगर जीडीपी घट रहा है तो जीडीपी घटने का मतलब ये हो गया कि किस सेक्टर में कितना घटा, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो भी हमारा इकोनॉमी होता है उसको बेसिकली तीन सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। अब अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे जीडीपी में और नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो इंडल्ज है उसमें, तो आपको पता चलेगा कि सबसे वर्स्ट कंडीशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर 100 रुपया हमारे देश का इकोनॉमी है, जीडीपी 100 रुपया है, इंडस्ट्री सेक्टर 25 रुपया कमा के दे रहा है, सर्विस सेक्टर 50 रुपया कमा के दे रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर 25 रुपया कमा के दे रहा है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि 100 मेरा पॉपुलेशन भी है कंट्री का, लेकिन एग्रीकल्चर में लगभग आज का जो डेटा है 48-49%, तो मान के चलते हैं कि 48-49 लोग मिलकर 25 रुपया कमा रहे हैं, 30-35 लोग मिलकर 25 रुपया कमा रहे हैं जो कि इंडस्ट्री सेक्टर में है, और बचे हुए 20% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में है। मतलब कम लोग ज्यादा कमाई, तो एक तो यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो गया, तो इम्पैक्ट भी उसी लेवल पे होगा। जैसे इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो लेबर्स बाहर से आ गए इंडिया, अरे इंडिया कह रहे हैं, अपने अपने गांव में आ गए, ठीक है, अब उस लेवल का डिमांड नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी गिरने का एक इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की जब इनकम कम होगी तो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो अगेन प्रोडक्शन कम होगा जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कराएगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होने वाला कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में आएगा हमको ये समझ, पहला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कराने वाला वही है। अभी 2-3 दिन पहले का शायद न्यूज है कि बिग बाजार जो है को है बिग गया, उसको मुकेश अंबानी साहब ने खरीद लिया, ठीक है। तो 2 दिन पहले हम जब बिग बाजार गए थे तो वहां पे दिख रहा था कि सब कुछ लगभग उनका जो रिटेल शॉप जो है ग्रोसरी आइटम का, वो लगभग खाली पड़ा हुआ था। ये मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, कैसा कभी हमको दिखा नहीं। तो अब चूंकि वहां पे अब बिग बाजार कम खत्म हो गया, बिग बाजार जो था कहीं ना कहीं रिलायंस ट्रेड का एक अच्छा कॉम्पिटिटर था, अब वो कॉम्पिटिशन खत्म हो गया इसका, वो डिमांड अब जो सप्लाई करेंगे रिलायंस फ्रेश वाले सप्लाई करेंगे, तो रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय के लिए अच्छा चीज है, वही बिग बाजार के एम्प्लॉय के लिए खराब चीज है। बट ओवरऑल हमको ऐसा लगता है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। रीजन इसलिए बता रहे हैं, कई सारे रिपोर्ट्स आए हुए हैं जो कि आपका जब से ये लोकल की बात की जा रही है या कि चाइना में के साथ जो लोगों का मिसट्रस्ट हुआ है जो भी इंटरनेशनल कंपनीज का, उनके लिए सेकेंड बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इंडिया है। कई लोगों ने इंडिया के साथ टाई अप भी कर रखा है, तो आने वाले कुछ समय में ये जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो स्पीड से बढ़ने वाला है। आज भी जो स्वामी साहब है हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो ग्रोथ है जैसे अभी डीप आया है उसी स्पीड से बढ़ेगा, मतलब वी शेप में इसका इकोनॉमिक का ग्रोथ होने वाला है। 23% आज हम डिक्रीज किए हैं, ठीक है, लेकिन ये भी 3 माही का है, पिछले 3 माही का जो है 3.5% डिक्रीज किया, और इसके पीछे का जो रीजन है यही कि भाई कोविड है, तो उसमें ये डिक्रीज हुआ है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन इंक्रीज होगा, अब मान के चलिए कि पिछला 1 महीने से इकोनॉमिक एक्टिविटी को परमिशन दिया गया है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, धीरे धीरे खुल ही रहा है। कल का न्यूज है कि 100 ट्रेन और खोलने की बात की जा रही है, झारखंड में अब बसें चलनी स्टार्ट होंगी, बसें चलेंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा ही, तो ये सारी चीजें जो है आगे चलते। तो अभी मान लीजिए ये 3 माही है, इसमें 23% घट गया कुछ,
ठीक है ना, अब आने वाले दिन में मान लीजिए कुछ उद्योग भी बढ़ेंगे मतलब खुलेंगे भी, तो क्या आपको क्या लगता है क्या चांसेस है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा या फिर बहुत जल्दी कवरेज हो जाएगा ये जो हम लोग पाए हैं, क्योंकि 1996 के बाद अभी ऐसा माहौल आया कि इतना जीडीपी इतना कम हुआ है, तो अब इसको बनने में कितना समय लग जाएगा? देखिए 1996 का जो सिचुएशन था वो आज का नहीं है, 1996 का सिचुएशन का जस्ट 1991 में हम लोग क्या बोलते थे रिफॉर्म किए थे इकोनॉमी, वो अलग सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है ये इसके पहले 100 साल पहले आया था, शायद उतना भी खराब सिचुएशन नहीं था जो आज इकोनॉमिक कंडीशन है। उस समय भी वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, इंडिया अगर आज गिरा तो सिर्फ इंडिया अपने कारण ही नहीं गिरा है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो आपका जीडीपी है उसमें उसका वर्ल्ड का भी तो है कि भाई फॉरेन से भी हमारा आ रहा है, कुछ इंक्लूड किया जा रहा है, जो भी है यहाँ से डिमांड ही नहीं जा रहा है बाहर। मान के चलिए कि इंडिया से जो गुड्स बाहर भेजे जाते थे वो लोग डिमांड करना बंद कर दिए हैं, तो यहाँ से सामान जाएगा नहीं बाहर ना, तो उसका भी तो प्रोडक्शन कम हो गया। इसमें आपको जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? देखिए झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड की इकोनॉमी के बारे में मेरा जहां तक है वो ये कि यहाँ की इकोनॉमी बेसिकली डिपेंड करती है जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने फिर आपसे कहा कि अल्टीमेटली डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। ये सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना खर्च करेगा, अगर वो उसका खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी हर जगह पे इंक्रीज होगा। नहीं मतलब जैसे मान लीजिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए झारखंड में, तो जो भी अपना बेसिकली झारखंड तो कोल सेक्टर के लिए ही जाना जाता है, अब कोल सेक्टर है उस पे कोल के नहीं, कोल के अलावा भी और भी जैसे बॉक्साइट वगैरह हो गया, झारखंड को यहाँ पे जो नेचुरल माइंस वगैरह है ना वो बहुत सारे ज्यादा है, कोल तो नो डाउट प्राइमरी है सोर्स है यहाँ पे, ठीक है कोल हो गया माइंस हो गया, पर इसमें देखा जाता है कि अधिकतर में केंद्र का वर्चस्व है, जैसे अभी कोल पर भी केंद्र ये एक तरह से प्राइवेटाइज कर देगा अगर यही सरकार रही तो कुछ दिन, तो फिर वो तो फिर केंद्र का हो गया ना, फिर झारखंड फिर कैसे इसको देखिए कोल जो आपका माइंस वगैरह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक समवर्ती सूची होता है, ठीक है, तो समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट को डाला जाता है जो सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, सेंटर अकेले नहीं कर लेगा, ठीक है, अगर स्टेट का उसमें है तो स्टेट से पूछेगा कि क्या है नहीं है, सेंटर अलॉट कर रहा है अगर तो उसमें स्टेट का मेन तो बस ये होना चाहिए ना कि उससे जनरेट जो इनकम होगा उसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अगर स्टेट का रिसोर्सेस है स्टेट के अंदर है तो सेंटर तो डायरेक्टली नहीं बोल देगा सब कुछ मेरा है, आपका जो हिस्सा आपको तो हम देंगे, अगर आप कोल आवंटित ही किया जा रहा है किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया ही जा रहा है तो उसके लिए पैसा देगा ना, जितना पैसा देगा वो तो कैग उसको चेक करेगा, संसद के पटल पे रखा जाएगा, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा कितना नहीं देना है नहीं कितना देना है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर किया गया है कि भैया जो रिवेन्यू जनरेट होगा उसका कितना शेयर स्टेट को मिलना है कितना सेंटर को मिलना है। एक और चीज जैसे देखा जा रहा है कि झारखंड में जो जब से कोरोना आया और जो अनलॉक हो या ये है तो वो झारखंड बहुत धीरे धीरे खोल रहा है और दूसरे राज्यों के बनिस्पत, तो ठीक है जो दिल्ली में खुल गया पर अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं खुला है, तो झारखंड को मतलब और कितना समय चाहिए भारत का जीडीपी में मदद करने के लिए कि नहीं भाई भारत का जीडीपी बढ़ाने के लिए मेरे तरफ से या हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ना उद्योग है यहाँ पर ना कोल वगैरह का बहुत ज्यादा ये है दिख रहा है, और एग्रीकल्चर भी नहीं पता उसका क्या स्थिति है। एग्रीकल्चर तो झारखंड में ही नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं, बहुत नहीं है एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा ठीक है, आप अगर इंडिया के ज्योग्राफी को फोकस करेंगे ठीक है तो एग्रीकल्चर बेल्ट हमारा वो है जो गंगा का दोआब है, जहां जहां से गंगा गुजरी है उसके किनारे बिहार यूपी ठीक है, उसके अलावा जहां जहां कैनल्स बने हुए जैसे पंजाब का एरिया जो है राजस्थान का कुछ कुछ पार्ट है उस एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा है क्योंकि पंजाब से रावी सतलज व्यास नदियां बहती है। दक्षिण भारत में आइएगा तो इधर जो है आपकी कावेरी है गोदावरी है कृष्णा है ये नदियां जो है बहती है इनके कारण इस एरिया का एग्रीकल्चर है। झारखंड छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट अगर आप इसका ज्योग्राफिकल देखिएगा ना तो ये प्लेट्यू में आता है, अभी ये तो खे कि झारखंड प्लेट्यू का पार्ट है तो प्लेट्यू का जो लैंड है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है। झारखंड का सिर्फ ऊपरी एरिया जहाँ से गंगा गुजरी है साहिबगंज वाले एरिया से उस एरिया में जब आप इसका ज्योग्राफिकल मैप देखिएगा खासकर फिजिकल मैप तो आपको दिख रहा है कि हल्का हल्का ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है जो कि एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, वरना चाहे आप पलामू ले लीजिए लातेहार ले लीजिए गढ़वा ले लीजिए इधर रांची से आगे बढ़ते जाइए एग्रीकल्चर का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर यहाँ पे बिजनेस के तौर पे लोग नहीं कर सकते। अच्छा आपको यहाँ पे क्या लगता है झारखंड में
बूम कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है कि सर्विस सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है? क्योंकि आप बोल रहे हैं एग्रीकल्चर तो यहाँ पर है नहीं, नहीं एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है, हम ये कह रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा। के लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नेचुरली हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो बस तो दो ही सेक्टर गया ना, एक सर्विस एक मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों इम्प्रूव कर सकता है सर। अच्छा, ये दोनों इम्प्रूव कर सकता है। देखिए बशर्ते मैंने क्या मैं हमेशा ये कहता हूँ, अक्सर ये बात करता हूँ कि आप जब स्टेट के डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर आप जब भी ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया को कितना टाइम लगेगा डेवलप होने में या किसी कंट्री को कितना टाइम होगा डेवलप होने में, मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ, जापान। जापान एक ऐसा कंट्री है कि वो किसी भी जो उसका नेचुरल डिजास्टर हो या कुछ भी उसको अनफोर्सिन इंसिडेंट हो जाए उसके साथ, तो उसको रिकवर करने में बहुत कम समय लगता है। और देखिए इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं, वहां के लोगों का मेंटेलिटी, कहीं एक जगह पढ़े थे हम, यहाँ पे लोग स्ट्राइक जब लोगों को करना होगा तो फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद और स्ट्राइक शुरू। सही है, वहां पे स्ट्राइक का तरीका ये होगा, कुछ एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज कीजिए अगर जूते की दुकान जूते की फैक्ट्री में स्ट्राइक करना है ना, तो लोग क्या करेंगे, सिर्फ दाएं पैर का जूता बनाएंगे, बाएं पैर का जूता नहीं बनेगा। मतलब वो अपना पॉइंट भी रख रहे हैं और इकोनॉमी रुकी नहीं है, लेकिन अपना बात रखने के लिए वो उससे कंपनी के ऑनर को फायदा भी होने दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देश हो, राज्य हो, मोहल्ला हो या एक परिवार हो, वो बनता है वहां के लोगों से। अगर भारत को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप करना है, ठीक है, तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होती है। आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी जी का कि मोदी जी ने, कहीं मैंने देखा था कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 23.5% का GDP गिरा दिया। मोदी जी अकेले रिस्पॉन्सिबल है, इकोनॉमी मोदी जी अकेले चल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी की कुछ नीतियां गलत हो सकती हैं कि वो पैकेज अच्छा नहीं लाए या पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे नहीं लाए, कुछ नीतियां गलती हो सकती है, लेकिन क्या एक नागरिक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी कितनी है? नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी, ठीक चीज है ना। चाहिए नहीं, अब लेना होगा हम लोग को। लोगों को इतना समझना होगा, आप खुद सोच के देखिए, जब भी इंसान, एक कछुआ जो होता है ना, कछुआ को जब डर का माहौल होता है तो सबसे पहले अपने सेल के अंदर छुप जाता है। हर इंसान ऐसे ही होता है, खासकर फाइनेंशियली, जैसे उसको डर लगता है कि उसका इनकम कम होने वाला है, हर इंसान खर्चा कम करके सेविंग पे आ जाता है कि अब खर्च कम करना है। सही बात। और मेरा जहां तक विश्वास है पिछले 3-4 महीना में आप भी यही किए होंगे कि जितना हो सकता है खर्च कम करें, सेविंग बचा करें, सेविंग करें। सही। अब एक बात बताइए, आप खर्चा कीजिएगा नहीं तो मार्केट में मनी फ्लो कहां से होगा? आप जब पैसा नहीं खर्च कीजिएगा, आप टैक्स नहीं दीजिएगा, आप खुद बताइए। लोग ये कहते हैं कि इंडिया में सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सरकार के पास रेवेन्यू होना चाहिए ना। सरकार लोगों को फ्री में कई सारी सर्विसेज देती है, लोग उसको काउंट नहीं करते हैं और आप उस पर ब्लेम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी। एक सिटीजन जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा सर, कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद पंकज जी आपकी ओपिनियन के लिए। इस तरह की जानकारी और बाजार की खबरों के लिए हमें फॉलो करते रहें thebudstory.com।